हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है। तो आज हम एमपी का देखेंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। जब आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको 1 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है, बाद में वही आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपको उसकी और फीस देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा फीस, उसके बाद वो परमानेंट हो जाता है। तो उससे पहले आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे लास्ट में कि वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से रहता है। पहले हम देखेंगे उसकी प्रोसेस कैसे होती है निकालने की रजिस्ट्रेशन को, और दूसरा हम ये देखेंगे किसी का आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप चेक कैसे कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन मेंशन है कि नहीं है। आपको वो नेट पर मिल जाएगा कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप वहाँ जाके आयुर्वेद की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड है डॉक्टर या सिर्फ फर्जी नंबर आपको बता रहा है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए एमपी की बात करें हम, तो एमपी के लिए है आयुर्वेदा एमपी ऑनलाइन करके, आयुर्वेदा डॉट एमपी ऑनलाइन, इस नाम से एक वेबसाइट है, ये आ रही है, हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर जाके हमको पूरा मिल जाता है, और भी ऑप्शंस आते हैं इसमें। ये प्लीज़ क्लिक किया जी, ओपन हो गया। इस प्रकार से इसका इंटरफेस मिलता है। इसमें हमको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं डॉक्टर लोग अपने, जो आपने रजिस्टर्ड कर रखा हुआ मोबाइल नंबर। यहाँ क्रिएट प्रोफाइल भी कर सकते हैं, कहीं आपकी अभी तक आप डॉक्टर हैं और आपने प्रोफाइल नहीं बना रखी है इस पर वेबसाइट पर, तो आप जाके बना सकते हैं, या हमें खुद से बनानी होती है। इसकी फ़ीस लगती है, उस फीस को देने के बाद ये हम मेंशन कर सकते हैं अपना नाम। तो यहाँ लिस्टेड डॉक्टरों में हम किसी भी का भी रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो पता होना चाहिए, तो वो आपको डॉक्टर बताएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक रजिस्ट्रेशन है, हम उसको चेक करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर है ए, कैपिटल ए स्लैश 108 94। तो ये डॉक्टर नितिन सारस्वत करके हैं, तो इनका हम चेक कर रहे हैं। तो इनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, साथ में हम कैप्चा डाल देंगे यहाँ पे 6-1-5, और यहाँ सर्च कर देंगे। तो अब इनका यहाँ मेंशन होगा कहीं तो आ जाएगा, और कहीं ये नंबर गलत होगा तो इसमें इनवैलिड लिख के आ जाएगा। तो हम चेक कर सकते हैं किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी डिटेल पूरी यहाँ पर आ जाएगी डॉक्टर की। तो ये डॉक्टर नितिन सारस्वत का था, तो उनका आ गया पूरा, नितिन सारस्वत, डेट ऑफ बर्थ वगैरह उनका, फादर नेम, और रजिस्ट्रेशन का डेट कब से कब तक का वैलिड है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन होता कैसा है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये इनका आगे रजिस्ट्रेशन, ये इस प्रकार से रहता है। यहाँ एमपी बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड नेचुरोपैथी भोपाल, ये बोर्ड है एमपी का आयुर्वेद का भोपाल का। तो यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, बार कोड रहेगा, फोटो रहती है मेंशन, और यहाँ लिखा रहता है कि ये इंटर्नशिप पीरियड के लिए वैलिड है, सिर्फ ओनली 1 ईयर के लिए, जितना भी आपका इंटर्नशिप चलता है। डॉक्टर नितिन सारस्वत का ये एड्रेस वगैरह रहता है यहाँ इनका, बाकी का यहाँ इसका रजिस्ट्रेशन का डेट रहता है, किस डेट को इन्हें करवाया, यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन रहेगा। तो आपको देखने को मिला ये रजिस्ट्रेशन। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, तो हम आपको उसके लिए वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।